बहुत अच्छा हो जाएगा कि हम अगर ये केस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है तो हम आसानी के लेवल में मैनेज कर सकते हैं। जहाँ हमको लग रहा है कि केस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है तो पेशेंट को आप तुरंत हायर सेंटर रेफर कर सकते हैं। और जहाँ हमारे अभी जिन डॉक्टर से हमारी बात हो रही है, जिनसे हमारा टाइप है, तो अगर पेशेंट वहाँ जाना चाहे तो वहाँ से हम एम्बुलेंस को बुला सकते हैं। और इससे क्या है, समय बचेगा। तो समय का इम्पोर्टेंस आज पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा है। जैसे डॉक्टर साहब ने जो बताया, जो गोल्डन आवर्स होता है ना, तो कार्डिक पेशेंट के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए उसको गोल्डन आवर्स कहा जाता है। तो उस दौरान में अगर मरीज को हम आइडेंटिफाई करके हायर सेंटर में भेजते हैं तो मरीज का जान तो बचेगा ही, आगे और उसके मतलब लॉन्जिविटी जो है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि हार्ट तो उतना ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है। लेकिन अगर उसी केस को हम लोग लेट डायग्नोज करते हैं और फिर मरीज जो है लेट पहुंचता है, तो उसे मरीज को क्या है, फिजिकली भी डैमेज हुआ, मेंटली भी डैमेज हुआ, सोशली भी डैमेज हुआ, परिवार में परेशान हुआ, तो ये सब चीज़ से हम बचाना चाहते हैं। तो बेसिकली इसका मेन एम यही है कि हम यहाँ पर कोई कार्डिक प्रोसीजर नहीं करने वाले हैं, लेकिन जो भी कार्डिक प्रॉब्लम है उसको हम जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करें। क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी जो है हार्ट पेशेंट जो है यंग एज में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पहले जो होता था कि 50 के बाद 60 के बाद लोगों का हार्ट अटैक होता था, अभी जो है इतना ज़्यादा स्ट्रेस में है लोग, इतना ज़्यादा भागा भागी है कि 25-30 साल में हार्ट अटैक हो रहे हैं लोगों को। तो इससे क्या है कि परिवार डिस्टर्ब होता है, जाने वाला तो समझ जाएगा, लेकिन उसके पीछे जो फैमिली बर्डन कितना बढ़ा होगा।